हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति आपके लिए मोटिवेशन का क्लास था, जिसमें आपको बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या बात का ध्यान रखना है जिससे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो और ख़राब ना हो, मतलब किस कारण से आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, सारी बातों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग टॉपिक और मूव करते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में आपको बताए थे टॉपिक के बारे में कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका जी वो क्या है, आपको प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आपको बताए थे क्या कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म आपको हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके लिए चार चीज़ों का जरूरत था, है ना। तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो था आपका जी, जो कि क्या था, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस, मीन्स क्या कि कौन सा आपका क्या है कंपोनेंट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसका डिटेक्शन करना, ठीक है ना, इसका डिटेक्शन करना, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं जिसके जरिए हम लोग एलिमेंट्स का पता करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, हैलोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का क्या करेंगे हम लोग जी, पता लगाएंगे कि कैसे मतलब आपको ये पार्टिकुलर कंपोनेंट इसमें है ना, किस टेस्ट के जरिए मतलब पार्टिकुलर कुछ टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट आपका किस तरीके के एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बारे में पता लगाना, ठीक है ना, उसके बारे में पता लगाना। तो देखिए जनरली जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये तो पक्का प्रेजेंट रहेगा, समझे ना। और इसके अलावा जो कुछ एलिमेंट्स होता है वो क्या हो सकता है ना, तो ये आपका हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, और फॉस्फोरस हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पेशली हम लोग जो क्या करेंगे ना, जो टेस्ट करेंगे वो कार्बन हाइड्रोजन से लेकर के और पूरा का पूरा फास्फोरस तक टेस्ट करेंगे, है ना। कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट तो बहुत इजी है, समझे ना, बाकी सबका भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें प्रोसेस कौन कौन सा लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारे पास जो टेस्ट है उसको समझिएगा जी, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन आपके कंपाउंड में है इसका हम लोग पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे देखिएगा सब ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके जैसे जो भी आपका कंपाउंड रहेगा, है ना, हमें नहीं पता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, या मान लीजिए कुछ भी, ठीक है ना। तो आप पता करेंगे ये चीज़ उस कंपाउंड में क्या है, कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है या नहीं है, ये चीज़ पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग ड्राई कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे, याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड जो था ना हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब क्या होगा कि वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसलिए हम लोग को जो लेना पड़ेगा वो बिल्कुल ड्राई आपका स्टेट में क्या लेना पड़ेगा, कॉपर का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, समझे। तो कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, ड्राई स्टेट में लेंगे, अब उसके ऊपर में क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल देंगे, वो भी क्या रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब उसको हीट करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड के सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड जल करके और कन्वर्ट किस में हो जाएगा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन था ना उसी का इस्तेमाल करके आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बर्न हो जाएगा, समझे ना। तो वो कंपाउंड बर्न होगा, बर्न होने के बाद आपको क्या करेगा, गैसेस रिलीज करेगा। अभी आपको ये नहीं पता है कि वो CO2 गैस रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा, ठीक है ना, अभी आपको नहीं पता है। अब टेस्ट करने वाले हैं कि CO2 गैस रिलीज करता है और वाटर ही रिलीज करता है, समझे ना। तो क्या करेंगे हम, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखिएगा सब लोग, ठीक है, देखिए सब लोग ध्यान से, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है ना। एक क्या किए जी आपका, ये इस तरीके का हम लोग क्या किए जी, ट्यूब ले लिए, समझे ना। अब इसके अंदर में क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड को डाल दिए जी, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर में आप सब्सटेंस को डाल दिए, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल दिए आप, ठीक है। ड्राई कॉपर ऑक्साइड है उसके ऊपर में क्या करेंगे जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो इससे कुछ गैसेस निकलेगा और उस गैस को इस पाइप के जरिए यहाँ तक पास कराएंगे। अब ये सब है क्या, इसको समझते हैं जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो है ये यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है इसमें क्या प्रेजेंट है आपका जी, तो कॉपर ऑक्साइड है, ड्राई कॉपर ऑक्साइड है और आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब इसको आप हीट किए थे तो हीट किए तो यहाँ से कुछ गैसेस निकलेगा आपका जी। अब वो गैसेज जो है ना इस पाइप के जरिए आपका क्या होगा जी, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे ना एक आपका छोटा सा
बल्ब था, बल्ब बोल सकते हैं इसको। बल्ब में क्या होगा, बल्ब का मतलब वॉल्यूम समझ लीजिए, है ना, कि कुछ छोटा सा आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। और उसके अंदर में ना आपको ड्राई, बिल्कुल ड्राई क्या रहेगा आपका जी, कॉपर सल्फेट का पाउडर रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं एनहाइड्रस, है ना। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर रहेगा ड्राई, जो कि बिल्कुल क्या रहेगा, कलरलेस होता है, उसके पास कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही यहाँ से आपको वाटर वेपर और आपका CO2 गैस निकल के जाएगा, है ना, तो वो वाटर वेपर के कारण आपको ये जो रहेगा आपका जी, जो अंदर में आपका है जी, ये ड्राई कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में तभी कन्वर्ट होता है जब वो वाटर से रिएक्शन करता है। मतलब वो आपको ये जो ड्राई है ना आपका जी ड्राई, ये क्या होगा, CuSO4 जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और तभी इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। समझे बात है जी, है ना। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू होना ये इम्प्लाइज किया कि इसके अंदर से जो आपको जो वेपर्स, मतलब जो गैसेस निकला था, उसमें आपको कोई गैस जो था ना, वाटर भी था। तो वाटर था, ये कन्फर्म कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसमें क्या था, हाइड्रोजन था। बात को ना सुनाएं जी, क्या हम लोग समझे, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। कॉपर ऑक्साइड के सरफेस पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप डालें, हीट के नीचे से कॉपर ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन था, उसके कारण क्या हुआ, आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होने के बाद गैसेस रिलीज किया जी आपका, वो गैसेस इस पाइप के जरिए आगे बढ़ने वाला है, बढ़ाए आगे, बढ़ने के बाद आपका इस बल्ब में जो था ना, वो कॉपर सल्फेट आपको एनहाइड्रस फॉर्म में रखा हुआ था, जिसके पास कोई कलर नहीं होता है, है ना। तो आपको जो भी वाटर वेपर था, उसको आपको अपने सरफेस में क्या करेगा, एड्सॉर्ब करके, और फिर किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जीपका, तो ये इसमें कन्वर्ट आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये कन्वर्ट हो गया। फिर जो और बीच में गैसेस था वो आगे गया, और ये जो था ना आपको क्या था जी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, समझा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या था आपका जी, सॉल्यूशन था। इसमें जैसे ही आपको क्या हुआ, जो गैस पास किया, जो गैस आपका बचा हुआ था, इस गैस के पास करने से इसका कलर जो हो गया ना, वो मिल्की वाइट हो गया, मिल्की वाइट, है ना, मिल्की वाइट, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रहेगा आपका जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका कलर है ना, वो क्या होता है, कलरलेस रहेगा, है ना। जैसे उसमें मान लीजिए पास करेगा आपका जी CO2, है ना, तो वो क्या होगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो इसका मिल्की वाइट होना, इसका मतलब ये कन्फर्म कर रहा है कि आपको क्या होगा, यहाँ पे पक्का क्या होगा, एक और जो गैस निकल के आएगा वो क्या होगा, CO2 होगा, है ना। तो CO2 होगा, CO2 कब निकल सकता है जी, जो कार्बन रहेगा जी का, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो पता कर लेने जी, क्या क्या हम लोग समझे, कॉपर ऑक्साइड के सरफेस के ऊपर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या किए, बर्न किए, बर्न करने के बाद इससे अननोन कुछ वेपर्स निकला, गैस निकला, वहाँ से क्या हुआ आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हमने यहाँ पे इतने रखे हुए, जहाँ पे आपका वाटर वेपर इससे रिएक्शन करके और आपका क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें ब्लू कलर हो रहा है। इसलिए हम लोग को ये पता चल गया कि जो इससे जो रिएक्शन किया था, इससे जो कम्बिनेशन किया था, रिएक्शन नहीं सॉरी कम्बिनेशन जो किया था, वो क्या था आपका जी, वाटर वेपर था, वाटर वेपर था तो उसमें हाइड्रोजन होगा ही, और हाइड्रोजन अगर उसमें होगा, है ना, तो उस गैस में होगा हाइड्रोजन, पक्का क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसी गैस का कुछ पोर्शन आगे गया, कैसे हाइड्रोक्साइड के साथ आपका क्या किया, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद उसका कलर जो है किस में कन्वर्ट आपको कर दिया जी, तो मिल्की वाइट में, मिल्की वाइट का कलर में कन्वर्ट होना आपका जी क्या बता रहा है कि आपको क्या होगा, CO2 गैसेस था। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% क्लियर है जी, है ना। तो मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसका डिटेक्शन हम लोग कर दिए। चलिए इसका कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं हम लोग जी। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो आपका रहेगा जी, आपका कार्बन रहेगा, वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो हाइड्रोजन रहेगा, वो आपको कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब CO2 गैस जो निकल के गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो नीचे बताया था आपको, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद आपका क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि आपको नीचे धीरे धीरे करके बैठ जाएगा। इसी कारण से तो मिल्की वाइट उसका कलर हुआ था, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जो था व्हाइट कलर का था, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कलरलेस मानते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, 5H2O से रिएक्शन कंबाइन करके और क्या करेगा आपका जी, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू होना ये कंफर्म करता है कि आपको जो एक निकला था गैस, उसमें एक वाटर वेपर था, है ना। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिल्की वाइट होना ये कंफर्म करता है कि आपको जो गैस निकला था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वाटर वेपर का निकलना, ये कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या था आपको, कार्बन हाइड्रोजन था। एकदम 100% बात क्लियर हो गई जी, एकदम सेट हो गया दिमाग में, याद रहेगा सब लोगों को जी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के टेस्ट की ओर। चलिए हमारे पास अब टेस्ट क्या है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, है ना, अदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन करने वाले, ठीक है ना।
और उसमें मेनली जो है ना वो आपका क्या रहेगा, लाइसिन टेस्ट रहेगा, है ना, लाइसिन टेस्ट, ठीक है ना। तो उसको देखिएगा, जैसे नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हैलोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, इन सब का क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसको तो टेस्ट जो करते हैं वो क्या है, लाइसिन टेस्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा, लाइसिन टेस्ट के द्वारा क्या करेंगे हम लोग जी, नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर है ना, फॉस्फोरस हो गया, हैलोजन हो गया, इन सब का टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे सोडियम को लेंगे और सोडियम को ले करके बहुत आपका स्ट्रॉन्गली इसको हीट करके उसको मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। वैसे सोडियम तो बड़ा इजीली मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा हीट करके मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और फिर यहाँ से जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा, वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड, और उस कोवेलेंट को क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, और आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा तो आपको स्पेसिफाइड आयंस को रिलीज करेगा, और उस आयन का डिटेक्शन करना क्या रहेगा हमारे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड से आपका क्या होगा, डिटेक्शन करना बहुत आसान रहेगा, समझे ना। तो देखिएगा सब लोग, सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिएगा, लाइसिन टेस्ट करवे करते हैं बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड्स विथ सोडियम मेटल, है ना, सोडियम मेटल के साथ उस कंपाउंड को फ्यूज करेंगे, विच कन्वर्ट्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक फॉर्म। मतलब आपको जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो आपका रहेगा, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जी कोवेलेंट फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, आयनिक फॉर्म में। कब जी, जब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फ्यूज करेंगे, किसके साथ जी, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करेंगे, तो ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा जी ध्यान से, अब सोडियम मेटल के साथ आप फ्यूज किए तो इससे क्या होगा कि सोडियम जो है ना वो कंबाइन करेगा किससे, कार्बन से, नाइट्रोजन से, है ना, हाई टेम्परेचर है, इस पर कंबाइन करके और सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए सोडियम साइनाइड आपका आयनिक कंपाउंड है, अरे Na प्लस CN माइनस रहेगा ना आपका जी, है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब इस कंपाउंड के पास CN माइनस अवेलेबल है, ठीक है ना। अब CN माइनस अवेलेबल है तो CN माइनस का टेस्ट आराम से किया जा सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ माध्यम से, ठीक है ना। सोडियम सल्फर से कंबाइन करेगा तो Na2S बना लिया, यहाँ भी H2 माइनस तो अवेलेबल है। सोडियम हैलोजन से कंबाइन किया तो सोडियम हैलाइड बना लिया, यहाँ भी आपका Na प्लस और आपका क्या ये हैलोजन मिस आपका X माइनस तो अवेलेबल है, तो आराम से इस आयंस का टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड X कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये जो आपको जो भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है ना, आपको हैलोजन है, ये सब का सब क्या होगा, कहाँ से ऑब्टेंड हुआ आपका जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कब ऑब्टेंड हुआ, कैसे ऑब्टेंड हुआ, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किए, सोडियम के साथ फ्यूज किए, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर फ्यूज किए, जिस कारण से ये सब एलिमेंट आपको ऑब्टेंड हुआ और सोडियम कंबाइन कर करके और सबसे आयनिक टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, NaCN, Na2S, NaX सो फॉर्म्ड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल्ड वाटर। याद रखिएगा, NaCN हुआ, Na2S हुआ, ठीक है ना, NaX हुआ, जो फॉर्म हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्यूज्ड मास से, है ना, बॉइलिंग इट विथ वाटर, ठीक है ना, वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके, तब क्या करेंगे उसको बॉयल करके और हम लोग ऑब्टेंड करेंगे। किसको ऑब्टेंड करेंगे जी, NaCN को करेंगे, Na2S को करेंगे, ठीक है ना, NaX को करेंगे, मतलब जो भी ऊपर मिला है, जो भी तीन टू मिला है, तीनों को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें मिल जाएगा पूरी तरह से प्योर प्योर रूप में, तब तो जा करके इसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जो भी फ्यूज मास था उसको क्या करेंगे जी, वाटर के साथ मिला करके और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा जी, दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज लाइसिन एक्सट्रैक्ट। याद रखिए, उसको हम शॉर्ट में LE से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आप एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड किए थे, उस एक्सट्रैक्ट में क्या था, क्या 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 था आपका जी, तो NaCN था, Na2X था, सॉरी Na2S था और NaX था, तो ये सब का मिक्सचर था उस एक्सट्रैक्ट में, तो उस एक्सट्रैक्ट को बोलेंगे हम लोग क्या जी, लाइसिन एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, लाइसिन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अब उस एक्सट्रैक्ट का क्या करेंगे, किसी पार्टिकुलर रिएजेंट से कंबाइन करा करके और तब हम लोग ना नाइट्रोजन का डिटेक्शन करेंगे कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, उस एक्सट्रैक्ट को किससे रिएक्शन करवाएंगे, तो FeSO4 के साथ कराएंगे, वो भी एसिडिक कंडीशन में। तो एसिडिक कंडीशन में जो है FeSO4 जो होता है ना, वो आपको रिएक्शन करेगा दो तरीके से रिएक्शन करेगा। एक तो क्या हुआ कि FeSO4 डायरेक्ट आपका CN- रिएक्शन करेगा, है ना, और आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और एक होगा कि Fe2+ होगा ना, FeSO4 का Fe2+ होगा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं, FeSO4 जो रहेगा वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होकर के
Fe2SO4 का होल 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है, समझे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जी कि Fe2+ जो था FeSO4 से जो निकल के आया था Fe2+, वो CN- से कंबाइन करेगा। CN- कहाँ से मिल रहा है, जो लेजाइन एक्सट्रैक्ट था उससे मिल रहा है पर CN-, तो उससे रिएक्शन करेगा और कर करके हेक्सासाइनोफेरेट बना दिया। ये आपको एक ऐसा आपका क्या कॉम्प्लेक्स है जिसमें Fe2+ प्रेजेंट है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। नेक्स्ट देखिएगा, Fe2+ बोले थे ना कि वो Fe3+ में कन्वर्ट होगा, तो Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बना था यहाँ पर वो आपको Fe3+ से कंबाइन करके और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएगा, फेरोसाइनाइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अब ब्लू कलर ही आपको बताता है कि यहाँ पे CN- है, CN- है, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पक्का है यहाँ पे जी, कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीव का, ये लेजाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। और याद रखिएगा ये टेस्ट तभी आप ये टेस्ट वही कंपाउंड दे सकता है जिसमें आपको नाइट्रोजन जो रहेगा किससे रहेगा जुड़ा हुआ, कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ। अरे जहाँ से साइनाइड आयन मिलने का चांसेस होगा ना वही दे सकता है। अब जैसे अमोनिया का टेस्ट हम करने लगेंगे जी, तो अमोनिया का टेस्ट नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन तो है ही नहीं, ठीक है ना जी। हाइड्रोजन का करने लगेंगे जो कि क्या होता है, आपको NH2 होता है हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं N2H4, तो N2H4 में कार्बन से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं नाइट्रोजन, तो आपको ये आपको हाइड्रोजन जो है ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको CN- नहीं मिल सकता है तो वो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, समझे ना। तो चलिए अभी तो ये समझ में आ गया आपका जी, लेजाइन टेस्ट में हुआ क्या क्या सब हुआ जी का। सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे। सोडियम के साथ फ्यूज करने से क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड में सोडियम के साथ कन्वर्ट हो जाएगा जी, कार्बन हुआ है ना, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हैलोजन हुआ, ये सब मिल करके, तो ये इस तरीके का कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा तीनों का तीनों मिक्सचर रहेगा आपका जी, पूरा कचरा के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे उसको फ्यूज मास को क्या करेंगे, पानी मिला करके डिस्टिल्ड करके बॉयल करके तब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जी, ऐसा सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस सॉल्यूशन के अंदर में क्या रहेगा, आपको NaCN हो सकता है, है ना, Na2S हो सकता है और NaX हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लेजाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, उसको एसिडिफाइड FeSO4 से रिएक्शन करा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसका कलर क्या होता है, प्रूसियन ब्लू होता है। और प्रूसियन ब्लू बताता है क्या कि आपको जो मिला है कॉम्प्लेक्स उसमें CN- आयन है और CN- आयन में नाइट्रोजन तो है ही, तो नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया। अब चलिए ये कौन कौन सा कंपाउंड होगा जो नहीं देगा टेस्ट, देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो आपको इसी चीज़ से पूछा जाता है, अभी जो बताने वाले हैं उसी चीज़ से, कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लेजाइन टेस्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेजाइन टेस्ट कौन कौन देता है, तो कौन देता है, नाइट्रोजन देता है, सल्फर देता है, हैलोजन देता है, सब बता रहे हैं जी, है ना, फॉस्फोरस देता है, ये सब आपका टेस्ट देता है क्या, कौन सा लेजाइन टेस्ट, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। लेजाइन टेस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन अगर देता है तो वो किस तरीके का नाइट्रोजन देता है, ऐसा नाइट्रोजन देता है जो कार्बन से क्या रहता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन सी एटम्स बट कंटेन एन एटम्स, है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा लेकिन नाइट्रोजन होगा, वो आपको कंपाउंड क्या होगा, कभी भी आपको नाइट्रोजन का टेस्ट लेजाइन टेस्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं NH2, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2OH जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, समझे बात ना जी, है ना। ये सब में क्या है आपका जी, नाइट्रोजन तो है लेकिन क्या कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टेस्ट आपको नहीं देगा, सिंस दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन सी एटम्स, ठीक है ना। तो यही आपको बता रहे थे क्या कि इन सब कंपाउंड में क्या है, कार्बन तो है नहीं इसलिए आपका रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, कुछ ऐसा कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन होता नहीं फिर भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आपको क्या मिलना चाहिए, CN- के रूप में मिलना चाहिए जी, CN- नहीं मिलेगा तो नहीं देगा आपका जी। अब जैसे देखिए ये कंपाउंड है, देख सकते हैं आपका जी, ये कंपाउंड फिनाइल, इसको और इसको बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट, देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये है क्या कंपाउंड। अभी आप लोग का चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो पीएच का क्या मीनिंग होता है शायद नहीं जानते होंगे, तो आपको बता देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये है ना, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, अब यहाँ से
इस कंपाउंड का जब भी किसी से भी रिएक्शन कराई ना, तो एक प्रोडक्ट आप फिक्स ही रखिए, याद रखिएगा, एक प्रोडक्ट आप फिक्स रखिए जो कि क्या मिलेगा, तो N2 मिलेगा। ये प्रोडक्ट तो आप फिक्स ही रखिए। तो इसका रिएक्शन जब भी किसी से भी कराने जाएंगे ना, तो आपको N2 मिल जाएगा। नाइट्रोजन निकल गया, काम खत्म हो गया, बस खत्म, समझ में आ रही बात जी, मतलब नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल के उड़ जाएगा, तो आपको तो बचेगा ही नहीं नाइट्रोजन वहाँ पे, तो कहाँ से नाइट्रोजन का टेस्ट मिलेगा आपको जी? नहीं मिलेगा। मतलब आपको लिजाइन टेस्ट में क्या मिलना चाहिए आपका जी, कंपाउंड से क्या निकल के आना चाहिए, Cl- निकल के आना चाहिए, वो तो निकल के आएगा नहीं, तो आपको नहीं मिल पाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो इसलिए क्या होगा, जो डाइजोनियम साल्ट होगा वो भी आपको ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, जबकि इसके पास क्या है, ये जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन जो कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, बात एकदम समझ आ गई 100% जी। तो ये सब बातें समझ में आ गई कि मतलब आपको इस प्रकार से क्या होगा कि अगर आपको नाइट्रोजन जो रहेगा कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, तो आपको ये लेजाइन टेस्ट देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। वो क्या करेगा, पूरी ब्लू कलर बनाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि सल्फर जो प्रेजेंट था ना, तो सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों मिल करके सोडियम के साथ जो बनाएगा, वो सोडियम थियोसाइनेट बना लेगा, और ऐसे कंडीशन में उसका कलर कुछ और हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से जी, जैसे कि इफ सल्फर इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन, अगर सल्फर नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है, तो इसका कलर देखिएगा ध्यान से। ये सबसे पहले सोडियम एन से सी से कंबाइन करेगा, इससे कंबाइन करेगा और सोडियम थियोसाइनेट बना लेगा इस प्रकार से। अब ये सोडियम थियोसाइनेट बना लिया, तो ये Fe3+ से कंबाइन करके ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ बात ना जी, है ना। Fe3+ से कंबाइन करके ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को बताए भी थे कि सब इन्हीं सब रिएक्शन का इस्तेमाल करता है कौन जी, बाबा वगैरह के लोग करते हैं, तांत्रिक वगैरह लोग, है ना, और काटन के चाकू से दिखाते हैं कि देखो खून निकल रहा है यहाँ, भूत प्रेत का फलना चिलना, ठीक है ना। मतलब आपको इसके बारे में पहले से बताए थे ना, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये आपको ब्लड रेड कलर दे देगा, मतलब सोडियम थियोसाइनेट। हाँ, सल्फर को आप हटा सकते हैं, कब जी, तो सोडियम को बहुत एक्सेस अमाउंट मिलेंगे, तो सल्फर आराम से हट जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, ठीक है ना। इसका भी है उपाय आगे देख लीजिएगा। देख, इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम, द थियोसाइनेट डिकम्पोजेस टू गिव साइनाइड एंड सल्फाइड। मतलब अगर एक्सेस ऑफ सोडियम को लेते हैं, तो ये जो सोडियम थियोसाइनेट होगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो सोडियम सल्फाइड में, सोडियम साइनाइड में, तब तो रिएक्शन आराम से हो सकता है, तब तो टेस्ट आपको मिल सकता है नाइट्रोजन का आराम से ना। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिएगा जी, तो ये बातें समझ में आ गई, नाइट्रोजन का पूरी तरह से टेस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना जी, कि नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेजाइन एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे और एसिडिफाइड FeSO4 के साथ इसको ट्रीट कराएंगे। इससे क्या होगा कि जो Cn- था NaCl के पास, वो Cn-6-6Cn- क्या होगा, आपको Fe2+ से कंबाइन करके और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, Fe3+ के साथ कंबाइन करेगा, जो कि एसिडिक मीडियम में आपको ये ऑक्सीडाइज हो चुका था Fe2+ Fe3+ में, ठीक है ना। और फिर वो इससे कंबाइन करने के बाद आपको एक पुरुसिन ब्लू कलर का क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और यही ब्लू कलर जो बताता है यहाँ पे साइनाइड आयन है, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब जो कंपाउंड आपका साइनाइड आयन नहीं दे सकता है, वो टेस्ट आपका ये नहीं देगा। तो जैसे हाइड्रोजीन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, ये सब में आपका क्या है, साइनाइड Cl- नहीं मिल सकता है। मिस नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से कहीं से भी जुड़ा हुआ है नहीं, है ना। ये आपका डाइजोनियम साल्ट हो गया, वो भी आपका नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो सारी की सारी बातों का हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग जी सल्फर के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास क्या है, टेस्ट फॉर सल्फर, मतलब सल्फर का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि सल्फर एटम प्रेजेंट होता है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो H2- का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जो आपके पास लेजाइन एक्सट्रैक्ट था, है ना, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लेजाइन एक्सट्रैक्ट, LE का मतलब यहाँ पे लैटिस एनर्जी नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या समझेंगे, लेजाइन एक्सट्रैक्ट समझेंगे, इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक आपका ऐसा कंपाउंड होगा, अरे यहाँ पे Na2+ रहेगा लगा हुआ यहाँ पे, तो आपको Na2+ FeCN का होल फाइन NO, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, समझे ना। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, द अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे आपका, तो आपको लेजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या रहेगा, Na2S होता है, Na2S बता रहा है कि उसमें क्या है, H2- आयन है, तो H2- आयन इससे कंबाइन करके और आपको वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपको ऐसा रहेगा Fe2+, है ना,
इस तरह से। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो वायलेट कलर का जो बताएगा वो क्या बताएगा? सल्फर है। एक और इसका टेस्ट होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिए एक और इसका टेस्ट है, सल्फर का टेस्ट एक और है। क्या है आपका? लेजाइन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट इज एडेड टू इट। लेजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे? एसिटिक एसिड को मिला देंगे और लेड एसिटेट को मिलाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि आपको लेड एसिटेट का जो आपका Pb2+ रहेगा वो लेजाइन एक्सट्रैक्ट से H2- से कंबाइन करके और ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बताएगा कि उसमें क्या है, आपको सल्फाइड आयन है, मीन सल्फर एटम है। कोई दिक्कत है किसी को भी? बोलिए। अरे हुआ टेस्ट क्लियर ना जी? कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हैलोजन का टेस्ट, टेस्ट फॉर हैलोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं कि इन सारे टेस्ट से आपको कौन कौन सा टेस्ट नहीं देता ये पूछा जाता है, और आपका क्या होगा, कौन सा एलिमेंट आपका ये टेस्ट देता है, नाम रहेगा लिखा हुआ, समझे ना, टेस्ट का नाम, तो वो पूछा जाएगा, समझे बात। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या हुआ। लेजाइन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ HNO3। लेजाइन एक्सट्रैक्ट को क्या करेंगे? HNO3 के साथ ट्रीट करा देंगे, मिला देंगे उसको, समझे ना। एंड देन ट्रीटेड विथ AgNO3। अब उसको क्या करेंगे? AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। अ वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन NS4OH। अब देखिए आपको वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको उठा करके NS4OH में डालेंगे तो सॉल्युबल रहेगा, तो वो बताएगा कि वो बना क्या है, AgCl बना है, मिस क्लोरीन का प्रेजेंस बता रहा है, ठीक है ना जी। हल्का सा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि क्या होगा, उसको NS4OH मिलाएंगे तो थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी उसका रहेगा, वो बताएगा कि ब्रोमीन आपका प्रेजेंट है, मिस AgBr बना है। और फिर क्या करेंगे आपका जी, एक और आपका बनेगा प्रेसिपिटेट जी, जो क्या रहेगा आपका जी, डार्क येलो कलर में रहेगा, है ना, डार्क येलो कलर में, जो आपको NH4OH में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो जो होगा वो कौन होगा आपका जी, तो AgI रहेगा। तो यहाँ पे तीनों तरीके के कंपाउंड का हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, तीनों तरीके का हैलोजन का। अब ऐसा थोड़े नहीं कि पूरे के पूरे कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब रहेगा एक ही कंपाउंड में घुसा हुआ, समझा ना जी, है ना। ऐसा आपका मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब आपको क्या होगा, इस तरीके का आपको मिल सकता है कि जब कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही रहेगा हैलोजन के रूप में, तो ऐसे कंडीशन में तो मिलेगा ना जी वाइट PPT के रूप में। कैसे मिलेगा? लेजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे, HNO3 को मिलाएंगे, AgNO3 को मिलाएंगे, समझे ना। इससे क्या होगा कि Ag+ जो रहेगा, Cl- जो घूम रहा था आपका जी सॉल्यूशन में, उससे कंबाइन करके AgCl बना करके वाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठा लेगा। उसको पहचानना है कि ये AgCl ही है, तो उसको उठा करके NS4OH में डालिए, वो सॉल्युबल रहेगा, तो मतलब वो AgCl है। अगर आपके पास पेर येलो PPT बना है तो AgBr है, और आपके पास डार्क येलो PPT बना है तो वो, और वो भी इनसॉल्युबल है इसमें जीव का, है ना, इनसॉल्युबल इसमें NS4OH में, तो सीधा समझ रहे कि आपका क्या बना है, AgI बना है, मिस आयोडीन का प्रेजेंस था कंपाउंड में। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग जी, हैलोजन का आपका दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट तो हम लोग देख लीजिए, दूसरा टेस्ट में देखिएगा, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड द लेजाइन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू डिकम्पोज द NaCl और Na2S फॉर्म्ड ड्यूरिंग लेजाइन टेस्ट। मतलब आपको क्या होगा कि सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए अगर उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या है आपका जी, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और सल्फर प्रेजेंट है, सबसे पहले उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट को किसके साथ हम लोग ट्रीट कराएंगे जी, तो HNO3 के साथ ट्रीट करा देंगे, मिस बॉयल कर देंगे उसके साथ, मिला करके अच्छे तरीके से बॉयल कर देंगे कॉन्सेंट्रेट के साथ, है ना। तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा किसको, जब का NaCl को और Na2S को, ठीक है ना, लेजाइन टेस्ट के दरमियान में। दीज आयंस वुड अदरवाइज इंटरफेयर विथ AgNO3 टेस्ट फॉर हैलोजन्स, ठीक है, इफ दीज आयंस आर नॉट रिमूव्ड दे वुड गिव अ वाइट PPT ऑफ AgCN और Ag2S विथ AgNO3 विल कन्फ्यूज इट फॉर AgCl। कहने का सेंस क्या है कि मान लीजिए अगर नाइट्रोजन है और सल्फर है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, AgNO3 के साथ अगर मान लीजिए हीट उट कर दिए जी, तो ऐसे में क्या होगा कि वो भी क्या करेगा आपका AgCN Ag2S बनाएगा, इसका भी कलर वाइट, इसका भी कलर वाइट, इससे क्या होगा, और AgCl का भी कलर वाइट, तो ऐसे में क्या होगा, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देगा आपका जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो ये एक समस्या आपको क्या हो सकता है, आ सकता है आपका जी, जब नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट अगर है आपको लेजाइन एक्सट्रैक्ट में, तो ठीक है ना जी।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ये क्या होता है समझिएगा, ये हैलोजन के लिए टेस्ट है, समझे ना। एड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 टू लेजाइन एक्सट्रैक्ट। लेजाइन एक्सट्रैक्ट जो मिला था उसमें हम लोग क्या करेंगे, CH2 को या फिर CCl4 को मिला देंगे। एंड देन एड Cl2 वाटर विथ सॉरी और KNO4, मतलब क्या करेंगे, क्लोरीन वाटर को मिला देंगे। जैसे ब्रोमीन वाटर होता है ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर को मिलाना चाहिए था। अच्छा चलिए हाँ सही है, तो Cl2 वाटर को क्या करेंगे, Cl2 और क्लोरीन वाटर को मिला देंगे, KNO4 या फिर KNO4 को सेक कर देंगे। कीप इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के छोड़ देंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर का क्या करेगा, लेयर चढ़ने लगेगा। द अपीयरेंस ऑफ ऑरेंज कलर इन ऑर्गेनिक लेयर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ BR, वाइल वायलेट कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। मतलब क्या होगा कि जैसे किसी सॉल्यूशन में आयोडीन है ना, या फिर ब्रोमीन है, तो क्या करेंगे उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, CH2 और CCl4 को मिला देंगे लेजाइन एक्सट्रैक्ट में, समझे ना। अब फिर क्या करेंगे उसमें क्लोरीन वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्लोरीन वाटर को या फिर KNO4 को, और उसको सेक करके थोड़ा सा हिला करके फिर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ब्राउन कलर का क्या, सॉरी ऑरेंज कलर का क्या होगा, आपका लेयर चढ़ने लगा है, समझे ना जी, है ना। लेयर मतलब लेयर बनने लगा आपका जो ऑरेंज कलर का लेयर बनने लगा है, तो लेयर बनने लगेगा, इसका मतलब ये बताएगा क्या कि ब्रोमीन है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए वायलेट कलर का लेयर बनने लगा तो वो बता रहा है कि आपका जी आयोडीन है, क्योंकि आपको आयोडीन का कलर क्या होगा, वायलेट होता है, और ब्रोमीन का कलर क्या होता है आपका जी, हल्का सा येलो होता है, समझे बात ना जी, है ना। क्लोरीन का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना जी। तो देख सकते हैं कि Br- रहेगा आपको उसमें प्रेजेंट, तो Cl2 जो रहेगा कंबाइन करके क्या बनेगा, Cl- में, और Br2 के रूप में बन जाएगा आपका जी, है ना। I- से क्या होगा आपका जी, I- कंबाइन करेगा Cl2 से, तो I2 और आपका Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी, जैसे हम लोग क्या किए थे, क्लोरीन वाटर के साथ किए थे, उसी तरीके से KNO4 के साथ भी कर सकते हैं। तो KNO4 से जो रहेगा आपको MnO4- आयन जो रहेगा, तो MnO4- आयन ब्रोमीन से कंबाइन करेगा और आपको ब्रोमीन का लेयर बना सकता है, है ना। आपको उसी तरीके से MnO4- आयन जो रहेगा आयोडीन से कंबाइन करेगा और आयोडीन का लेयर बना सकता है, है ना। तो ये इस तरीके से देख लिए आपका जी कि KNO4 के साथ या फिर किसके साथ जी, आपका क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करा करके तब क्या कर सकते हैं, उसका लेयर बना सकते हैं, जो कि उस पार्टिकुलर आपको क्या एलिमेंट का प्रेजेंस बताएगा। नेक्स्ट देखिए सब लोग ध्यान से जी, बिलस्टिन टेस्ट, ये समझिए ध्यान से क्या होता है बिलस्टिन टेस्ट। इसके बाद फिर एक और टेस्ट है, फिर खत्म आपका सारा का सारा टेस्ट खत्म। और टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, समझे ना, जेई मेंस में, एडवांस में, है ना, नीट में, इन तीनों को एग्जामिनेशन में इस टेस्ट रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। बिलस्टिन टेस्ट देख लीजिएगा ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड ऑन अ क्लीन कॉपर वायर इन बंसन फ्लेम। कॉपर वायर रहेगा क्लीन, एकदम साफ, जिसपे कोई ऑक्साइड का लेयर नहीं रहेगा, उस पर क्या करेंगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे। अ ग्रीन और ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कॉपर हेलाइड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। मतलब ग्रीन कलर का या फिर ब्लू कलर का क्या होगा आपका, जो उसके ऊपर में लेयर बनेगा वो बताएगा कि आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, हैलोजन प्रेजेंट है, है ना। दिस टेस्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज सम कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन हैलोजन्स ऑल्सो गिव दिस टेस्ट। एग्जाम्पल में जैसे यूरिया हो गया, थायो यूरिया हो गया, है ना, पायरेडीन हो गया, है ना, कोई दिक्कत है जी। तो ये टेस्ट अच्छी तरीके से, मतलब कहने का सेंस है पूरे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंपाउंड में जिसमें नहीं भी होता है हैलोजन, वो भी क्या होता है आपका जी, वो आपको ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर दे देता है, समझे ना। जैसे कि आपका यूरिया हो गया, थायो यूरिया हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, पायरेडीन हो गया, ये सब। मोर ओवर दिस टेस्ट डजंट टेल विच हैलोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, कुछ ने मतलब किसी के बारे में ये आइडिया नहीं देता, बस ये बताता है क्या कि हैलोजन प्रेजेंट है। ऑल्सो F- कांट बी टेस्टेड बाई बिलस्टिन टेस्ट। अब F- है या नहीं है वो पता भी नहीं चलेगा आपको, कोई दिक्कत है जी किसी को भी, क्या समझे इस टेस्ट में जी, कि एक कॉपर वायर जो क्लीन रहेगा, जिसके ऊपर में कोई लेयर नहीं रहेगा, उसके ऊपर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल करके हीट कर देंगे, है ना, तो वो क्या बनेगा आपका जी, तो वो बन जाएगा आपको, वो कॉपर वायर का कलर जो रहेगा या तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अन्य तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर बताता है हैलोजन का प्रेजेंस। लेकिन यूरिया हुआ, यूरिया हुआ, पायरेडीन हुआ, ये सब भी जलने के बाद क्या करता है, ऐसा ही देता है, इसलिए उतना सेटिस्फैक्ट्री आपका क्या टेस्ट नहीं है। लास्ट टेस्ट आपके पास देख लीजिएगा, टेस्ट फॉर फास्फोरस। किसी कंपाउंड में फास्फोरस है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, क्या है आपका, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि सोडियम पेरोक्साइड हो गया, फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट।
द सॉल्यूशन इज देन बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड ट्रीटेड विथ अमोनियम मोलिब्डेट. अ येलो प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस. मतलब सबसे पहले क्या करेंगे सोडियम पेरोक्साइड जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, HNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या बनाएगा आपका जी, तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा. वो प्रेसिपिटेट है क्या, तो देख सकते हैं सोडियम फॉस्फेट रहेगा, ठीक है ना जी. जैसे सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो आपको फॉस्फोरस जो रहेगा ना ऑक्सीडाइज होकर के फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट होगा, Na3PO4 में. HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको H3PO4 में कन्वर्ट हो गया. अब वो H3PO4 जो रहेगा आपका जी अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करके और HNO3 का रिएक्शन करके आपको ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम फॉस्फेट, है ना. और ये कोई दिक्कत है किसी को भी. इसका कलर जो रहेगा येलो कलर का PPT का फॉर्मेशन होगा आपका जी, है ना. और वही आपका कंफर्म करेगा कि इस कंपाउंड में क्या आपका फॉस्फोरस है. कोई दिक्कत है किसी को भी जी, एकदम बात समझ आ गई 100% ना जी, ठीक है ना. तो आप लोग क्या समझे जी, तो सबसे पहले क्या समझे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट करना हम लोगों की ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है. तो कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट बहुत आसान है. कॉपर ऑक्साइड जो कि ड्राई फॉर्म में रहेगा उसके ऊपर मिलाएंगे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हीट करेंगे नीचे से तो आपको अननोन गैसेस कुछ निकलेगा. वो गैसेस क्या होगा, आगे जाएगा एक बल्ब रहेगा, बल्ब में क्या छोटा सा वॉल्यूम रहेगा, उस वॉल्यूम के से होकर के गुजरेगा. उस वॉल्यूम के अंदर में क्या रहेगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रहेगा. वहां से जैसे ही जाएगा ये गैस तो उसमें अगर वाटर वेपर है तो उसके कारण वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, कलरलेस, है ना. तो उसका ब्लू कलर में कन्वर्सन क्या बताता है कि उस गैस में आपको वाटर वेपर भी था, वाटर वेपर था तो हाइड्रोजन था तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन कहां से निकल के आएगा आपका जी, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकल के आएगा. वही गैसेस आगे जा करके आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन रहेगा उसको मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा. और मिल्की व्हाइट में कन्वर्शन क्या बताएगा कि उसमें क्या था आपका जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था. समझ बात जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन होता है, कार्बन होता है. वाटर वेपर में कौन होता है, हाइड्रोजन होता है. कहां से निकल के आया जिपका, तो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकल के आया, मतलब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन आसान है. नेक्स्ट आपको बताया क्या जी, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन फॉस्फोरस, इसका टेस्ट करना होगा. तो उसको क्या करेंगे ना हम लोग, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा उसको फ्यूज करेंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पर, जिससे कि क्या होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट नेचर का था उससे एलिमेंट निकल करके और आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि सोडियम साइनाइड में, ठीक है ना, सोडियम हैलाइड में, सोडियम सल्फाइड में, सोडियम थियोसाइनाइड में, है ना, थियोसाइनेट में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. अब उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करा देंगे. किसके साथ करा देंगे ट्रीटमेंट जी, तो हम लोग करा देंगे. अब जैसे नाइट्रोजन का टेस्ट करना है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एसिडिफाइड FeSO4 के साथ, तो वहाँ पे एक प्रूसिन ब्लू कलर का क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो बताएगा कि CN- यहाँ पे प्रेजेंट था, है ना. ये आपको टेस्ट जो रहेगा वो उसी के लिए संभव होगा जिसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन जो रहेगा कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा. अब जैसे अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो नहीं देगा ब्लू कलर, है ना. आप कराएंगे जी आपका किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं देगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराएंगे तो नहीं देगा, है ना. कोई दिक्कत है किसी को भी. तो इस प्रकार से क्या रहेगा आपका जी, इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका क्या है, सल्फर का टेस्ट करना है तो सल्फर का H2- आयन होता है, तो H2- आयन होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं जीप का, है ना, किसी स्पेसिफिक रीजन के साथ, ठीक है ना. तो वहाँ पे जैसे कि क्या था आपका जी, सोडियम नाइट्रोपुरसाइड के साथ, तो सोडियम नाइट्रोपुरसाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे आपको जो H2- था वो कंबाइन करेगा उस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपको क्या बनाएगा जी, तो वहाँ पे एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, और उसका वायलेट कलर बताना मीन्स क्या, सल्फर का प्रेजेंस बताना. ऐसा होता है हैलोजन के टेस्ट के लिए अभी तक देख ही लिए, यही